मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू पायनियर कॉन्वेंट स्कूल। हमारा चैप्टर चल रहा है सेल्फ एंड पर्सनैलिटी। पार्ट वन वी हैव डन इन द लास्ट वीडियो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट पार्ट टू। सो इन द पार्ट वन वी हैव स्टडीड अबाउट सेल्फ, पर्सनल सेल्फ एंड सोशल सेल्फ। उसी को हम थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे कि वॉट इज पर्सनल सेल्फ एंड वॉट इज सोशल सेल्फ। पर्सनल सेल्फ होता है लाइक जब वेन वी टॉक अबाउट आर सेल्फ ओनली, वेन वी टॉक अबाउट आर कम्फर्ट, आर हैप्पीनेस, आर चॉइसेस, आर प्रेफरेंसेस कि हमें कैसे रहना है, क्या हमें अच्छा लगता है, जब हम सिर्फ खुद को डिफाइन करते हैं, दैट इज़ आर पर्सनल सेल्फ। एक होता है हमारा सोशल सेल्फ, जब हम दूसरों के साथ, हम एक ग्रुप में कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम एक ग्रुप के अदर मेंबर्स की फीलिंग्स को कितना एक्सेप्ट कर रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं या रिवर्ट कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं हमारे सोशल सेल्फ में, जिसमें हम दूसरों के साथ हमारा एम्पथी लेवल मींस अंडरस्टैंडिंग लेवल, यूनिटी मेंटेन करना, कोऑपरेट करना, एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करना, सेक्रीफाइस करना किसी और के लिए अपनी हैप्पीनेस को, या सपोर्ट करना, शेयरिंग करना, ये सारा हमारा सोशल सेल्फ को बिल्ड करता है। अगर हम ये सारे काम करते हैं तो हमें सोशली बहुत एक स्टेबलाइज्ड पर्सनैलिटी के वे में जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सेल्फ कॉन्सेप्ट, कि जो हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव आइडियाज़ हैं दैट वी होल्ड फॉर आर सेल्फ, जो हम अपने बारे में पॉजिटिव नेगेटिव आइडियाज़ हैं, हमारी क्वालिटीज़ हैं, हमारी कॉम्पिटेंसीज हैं, हम शाय हैं या एक्स्ट्रोवर्ट हैं या इंट्रोवर्ट हैं, या हमारे जो टैलेंट्स हैं, जब हम उनको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, जब हम उन्हें समझ लेते हैं, तो हमारा अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट बन जाता है कि हम ऐसे हैं। अब ये जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है ये कैसे बनता है, ये बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है कि हम अपने लिए बहुत अच्छा सोचते हैं कि आई एम अ वेरी गुड स्पीकर, आई एम अ वेरी गुड टीचर, आई एम वेरी पोलाइट, और हम ये जब दूसरे लोग हमें प्रेस करते हैं, हमारी क्वालिटीज़ को प्रेस करते हैं, हमारे टैलेंट को प्रेस करते हैं, तो वो हमारे लिए एक हम अपने माइंड में पॉजिटिव आइडियाज़ बनते चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई हमें नेगेटिव हमारे बारे में बोलता है कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हारा बिहेवियर अच्छा नहीं है, आप पोलाइट नहीं हो, तो हमारा अपने बारे में एक नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बनता है, और ये दूसरों के कहने से भी बनता है। कई बार हम खुद से ही कंपेयर करने लगते हैं, हमें कोई कुछ नहीं कहता, फॉर एग्जांपल एक क्लास में दो स्टूडेंट्स हैं, तो वो कंपेयर करने लगता है कि इसी के मार्क्स अच्छे आएंगे, मतलब एक टेस्ट में मार्क्स कम आ गए, और फिर हम जर्नलाइज कर दें कि मेरे तो आ ही नहीं सकते हैं, मैं इसको कम्पीट नहीं कर सकता हूँ, तो ये क्या हो रहा है, ये हम अपने बारे में एक नेगेटिव आइडिया फिक्स कर रहे हैं। और अगर हम बहुत अच्छी अचीवमेंट्स करते हैं, दूसरे लोग हमें प्रेस करते हैं, तो हम पॉजिटिव आइडियाज़ फ्रेम कर लेते हैं। कोई हमें क्रिटिसाइज़ कर देता है, या हम किसी कंपटीशन में कुछ अचीव नहीं कर पाए, अच्छे मार्क्स नहीं ले पाए, तो हम अपने बारे में एक नेगेटिव आइडिया फॉर्म कर लेते हैं। तो ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट डिवेलप करना। आफ्टर दैट सेल्फ कॉन्सेप्ट में हम दो चीज़ें और लेके चलेंगे, एक होगा एरोगेंस और एक होगा इन्फीरियॉरिटी। कि जब हम अपने बारे में सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, तो कई बार इससे एरोगेंस की फीलिंग भी डेवलप हो जाती है, हम प्राउड ही हो जाते हैं कि हमें सब कुछ आता है एंड वी आर वेरी स्मार्ट एंड एक्टिव। और जब हम नेगेटिवली चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, हम अपने बारे में एक नेगेटिव कॉन्सेप्ट डिवेल्प करते हैं, तो हमारे अंदर इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है। तो इसके साथ साथ इसी सेल्फ कॉन्सेप्ट में एक बात और आएगी कि अगर हमें चांसेस मिलें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलें, हम सेल्फ ट्राई करें और एक्सप्लोर करें। सेल्फ ट्राई का मतलब कि अगर एक बार मार्क्स कम आ गए, तो दूसरी बार हम थोड़ा हार्डवर्क करें, हम इम्प्रूव करें, तो हमें नेक्स्ट टाइम प्रेज मिल जाएगी, और उस प्रेज से जो हमारा नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो ख़त्म हो जाएगा और हम पॉजिटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट में चले जाएंगे। सो इसके बाद हमारी नेक्स्ट टर्म आती है सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम दो तरीके से होती है, या तो हम खुद से अपने आप को एस्टीम करके रखते हैं कि अपने आप को सुपीरियर फील करना, या अपने आप को इन्फीरियर फील करना। एक होता है कि जब हमें दूसरे लोग प्रेस करते हैं या क्रिटिसाइज़ करते हैं, उस बेस पे हम अपना सेल्फ एस्टीम बनाते हैं। तो जब हमें लोग प्रेस करते हैं, या हम अचीवमेंट है लाइक क्लास में अच्छे मार्क्स आ गए, हमने स्टेज पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर दिया, हमें प्रेस मिला, तो उसमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है और जो सेल्फ एस्टीम है वो अपर डायरेक्शन में चला जाता है।
लेकिन अगर हमें किसी ने नेगेटिवली क्रिटिसाइज़ कर लिया, हम किसी गेम में हार गए, किसी कंपटीशन में हम वो पोजीशन नहीं ले पाए जो हम सोच रहे थे, तो हमारा सेल्फ एस्टीम नेगेटिव भी डायरेक्शन में जा सकता है। अब इस सेल्फ एस्टीम को हम कैसे बैलेंस करें, कैसे मैनेज करें, वो ये नेक्स्ट टू टर्म्स हमें समझाएंगी। फर्स्ट टर्म है सेल्फ एफिकेसी। सबसे पहले तो सिचुएशंस के ऊपर हमारा कंट्रोल होना, अपने एक तरीके से यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस की बात हो रही है कि अपने इमोशंस पे और सिचुएशंस पे दोनों पे कंट्रोल होना। सिचुएशन लाइफ ऑल द टाइम आपको विनिंग पोजीशन में कभी नहीं रख सकती है। लाइफ में लूजिंग पोजीशंस भी आएंगी, विनिंग कंडीशंस भी आएंगी। ये आपके सेल्फ एफिकेसी है कि आप उसके ऊपर कैसे कंट्रोल करते हो अपनी विल पावर से। कुछ लोग होते हैं जो अपने फेलियर्स को एक अपना बाय लक मान के बैठते हैं कि ये हमारा लक है, हार्ड लक है और ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हार्ड लक की बजाय हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं और वो अपनी विल पावर से अपनी सिचुएशंस को इम्प्रूव करते हैं, और जब सिचुएशंस इम्प्रूव होंगी तो कॉन्फिडेंस इम्प्रूव होगा एंड देन आपका सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होगा। तो एक सेल्फ एफिकेसी होना बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड ये आपके अपने हाथ में होती है कि आप इसे इनक्रीज भी कर सकते हैं थ्रू योर इमोशनल इंटेलिजेंस, आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव्स योर लाइफ। आफ्टर दैट वी विल टॉक अबाउट सेल्फ रेगुलेशन। सेल्फ रेगुलेशन में होता है मेनली मॉनिटरिंग बिहेवियर, अपने बिहेवियर को मॉनिटर करना, और इसके थ्री स्टेप्स रहेंगे कि बिहेवियर को सिर्फ मॉनिटर नहीं करना ना, हमने बिहेवियर को इम्प्रूव भी करना है। तो इसमें थ्री स्टेप्स आएंगे। नंबर वन, बाय ऑब्जर्वेशन, कि सपोज़ आपको आपके किसी फ्रेंड ने या आपके टीचर ने बता दिया कि आप जब ये टेस्ट कंडक्ट करते हो या राइट करते हो तो आप इसमें हेडिंग्स नहीं बनाते हो, आप इसमें यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो, तो ये एक ऑब्जर्वेशन मेथड है। तो आप उसको दोबारा से ऑब्ज़र्व करते हो कि यस, अब मैंने इसको इम्प्रूव करना है और नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं करना। तो ऑब्जर्वेशन में एक तो हो गया आपका टेस्ट राइटअप का एग्जांपल, एक हो गया कि किसी पर्सन ने आपको एक्सप्लेन किया कि जब ये सिचुएशन थी तो तुमने बहुत एंग्री बिहेव किया, जबकि तुम वहाँ पे एक कूल एंड काम बिहेव भी कर सकते थे। तो ये ऑब्जर्वेशन अदर्स के थ्रू होती है और आपको सिर्फ बताई जाती है। फिर आप सेकेंड स्टेप में जाते हैं, आपने ऑब्जर्वेशन ले ली, अब आप सेकेंड स्टेप में जा रहे हैं सेल्फ इंस्ट्रक्शन। तो आप खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब मैं टेस्ट राइटअप करूँगा तो सबसे पहले मैंने हेडिंग्स बनानी है, स्पेलिंग्स को लर्न करना है और इसको एक अच्छे वे में राइटअप करना है। और जो वो एंगर वाला ऑब्जर्वेशन था उसमें आप खुद को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि अब जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो मुझे एंग्री नहीं होना है और मुझे खुद को बहुत कंट्रोल्ड वे में अपना प्रेजेंटेशन देना है, मुझे कूल रहना है, काम रहना है। तो आपने क्या किया, आपने खुद को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सेल्फ इंस्ट्रक्शंस। और उसके बाद आ जाता है सेल्फ़ रीइंफोर्समेंट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत ही नाइस स्टेप है, ये हम सबको अपनी लाइफ में अडॉप्ट करना चाहिए कि खुद को टारगेट्स देना कि अगर मैंने इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग इस सिचुएशन में जो मैंने खुद को इंस्ट्रक्शंस दी हैं, अगर मैंने उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर दिया सपोज़, तो मैं अपने आप को एक बहुत अच्छा गिफ्ट दूंगा। दैट कैन बी अ वेरी नाइस ड्रेस, परफ्यूम या जो भी कार जो आप पसंद करते हैं, जो आप अफोर्ड करते हैं, तो आप अपने आप को एक अच्छा गिफ्ट देंगे। फिर आप नेक्स्ट सिचुएशन के लिए नेक्स्ट अपने आप को इंस्ट्रक्शन देंगे कि एक स्टेप अचीव हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप में अगर मैंने इसको और इम्प्रूव कर दिया तो मैं ये वाला गिफ्ट अपने लिए लूँगा। तो आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हैं, अगर आपने उस सिचुएशन में इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग बिहेव नहीं किया, सपोज़ आपसे कंट्रोल नहीं हुआ और आप फिर से गुस्सा हो गए, तो आप क्या करेंगे कि जो आपने अपने लिए गिफ्ट सोचा था वो आप नहीं लेंगे, लेकिन वो गिफ्ट आपके माइंड में है। साइकोलॉजिकली आपकी जो क्रेविंग है, जो चाहत है उस गिफ्ट के लिए, वो मेंटेन रहेगी। तो वो आपको इंस्पायर करती रहेगी कि नेक्स्ट सिचुएशन में मुझे अच्छा बिहेव करना है और मुझे वो गिफ्ट लेना ही लेना है। तो ये होता है हमारा सेल्फ रीइंफोर्समेंट, खुद को रीइंफोर्स करना। क्योंकि हम सेल्फ रीइंफोर्समेंट करेंगे तो हमारा सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव होगा, सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव होगा तो हमारी सेल्फ एस्टीम इम्प्रूव होगी, हमारा सेल्फ कॉन्सेप्ट अपने लिए चेंज हो जाएगा। जब हम खुद को ही पॉजिटिवली
अंडरस्टैंड करेंगे, खुद को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेंगे, तभी सोसाइटी हमें पॉजिटिवली एक्सेप्ट करेगी। तो ये सारे स्टेप्स होते हैं अपनी पर्सनालिटी को, अपने लाइफस्टाइल को और अपने बिहेवियर को इम्प्रूव करने के। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट एंड आई होप ऑल द स्टूडेंट्स विल इम्प्रूव बाय दिस मेथड कि आप अपनी सेल्फ एफिकेसी एंड ये जो सेल्फ रेगुलेशन के 3 स्टेप्स हैं इनको फॉलो करके अपना एकेडमिक अचीवमेंट, अपना स्टेज स्किल्स, अपनी प्रेजेंटेशन बहुत कुछ इम्प्रूव कर सकते हैं एंड अल्टीमेटली यू कैन इम्प्रूव योर लाइफ। सो स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल गो विद द पार्ट 3। हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।